फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हो रहा था सुबह का समय और आज संडे का दिन है तो सबकी छुट्टी है, सब घर पर ही थे। डिट्टू को भी स्कूल नहीं जाना था तो बस मैं लगी हुई थी अपने काम करने पर। और जो संडे के दिन में थोड़ा सा आराम से उठती हूँ, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं होती है कोई सी भी, तो बस मैं उठ के अपना काम कर रही थी। और फिर थोड़ी देर में आशी भी उठ गई थी तो आशी को उसके डैडी लेके खिला रहे थे। दोनों का बेटी बहुत देर तक खेले और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया दोनों ने दूसरे के साथ। और मैं इधर अपना काम कर रही थी तो बस झाड़ू लगाया, उसके बाद पोछा लगाया और थोड़ी सी साफ़ सफाई की और फिर नहा के पूजा कर ली थी। और बस मतलब मेरे घर का काम ख़त्म हो चुका था। और काफ़ी मतलब संडे को ना थोड़ा सा लेट के चक्कर में लेट हो जाता है और अच्छा खासा टाइम हो गया था। ब्रेकफास्ट का टाइम तो ऑलमोस्ट निकल ही जाता है तो बस मैं कोई ब्रेकफास्ट लंच का वो नहीं करती हूँ, डायरेक्ट लंच ही बनाती हूँ। तो बस नहा के पूजा करके मैं आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद मैंने सबसे पहले चाय बनने रख दी थी क्योंकि अब सुबह हुई है पर चाय अभी तक नहीं पी है तो सुबह की शुरुआत चाय के साथ होनी चाहिए। तो सुबह तो कब की हो चुकी होती है पर रियल सुबह तभी होती है जब चाय पी लेते हैं। तो बस चाय पिया, उसके बाद फिर लग गई थी मैं खाना बनाने के लिए। तो अब सर्दियाँ शुरू हो चुकी है, कुछ ना कुछ टेस्टी टेस्टी और डिफरेंट डिफरेंट खाने को बनता रहता है और असली मज़ा सर्दियों में ही आता है खाने का। तो आज बना था निमोना। और निमोना होता है ग्रीन मटर जो होती है, हरी मटर, उसकी सब्जी बनती है, उसको पीस के बनाते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। मतलब इतनी टेस्टी कि रिद्धू की भी बहुत फेवरेट है। तो बस आज वही बन रहा था और साथ में मैंने बना दी थी रोटी और एक साथ मेरा चावल मैंने बनने के लिए रख दिया था तो चावल भी बन गया था और निमोना भी बन गया था और रोटी भी बन गई थी। तो बस यही मेरा लंच था और सब लोग एकदम रेडी थे खाने के लिए, मतलब सब टाइम हो गया था। और बस मैंने सबका फटाफट से खाना बनाने का लंच निकाल दिया था और रिद्धु लेट उठा था तो बस रिद्धु को मैंने दूध दूध गर्म करके दे दिया था तो रिद्धु दूध वगैरह पी लिया था। और इधर मेरा खाना बन चुका था और फिर रोटी लास्ट की जो थी वो मैंने पपी के लिए बना ली थी। और अब खाना निकालना था, तब तक बना थोड़ा सा ना ठंडा हो गया था तो बस अब मैंने उसको वापस से गर्म होने रख दिया था। और इसमें ना नमक थोड़ा सा कम हो गया था तो मैंने सोनू का निकाल दिया था पहले, तो उन्होंने बताया कि कम है। बस सबको खिला पिला के फिर बर्तन तन धो लिए थे और उसके बाद थोड़ा सा आराम किया। तब तक हम लोग को जाना था छठ पूजा में, तो आज छठ पूजा है और हमारी एक पुरानी नेबर है, उनके यहाँ हम लोग हमेशा जाते हैं हर साल, तो उनके यहाँ बहुत अच्छे से होता है। मतलब मैंने इतना अच्छा ट्रेडिशन इसका देखा, मतलब दो तीन जगह पे देखा है पर इतने अच्छे तरीके से जो होता है करने का मैंने यहाँ पे देखा था और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। तो बस हम लोग आए, उसके बाद यहाँ पे जो जिनके घर पे आए थे भाभी ने यहाँ पर अर्घ दिया। अर्घ वगैरह देने के बाद फिर यहाँ पर ये कोसी बनाई थी उन्होंने और उसकी मतलब ये इसकी जो उसकी डेकोरेशन हुई थी ना, जैसे मतलब उसको सजाया था, बहुत ही सुंदर लग रहा था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये देख के। इतने अच्छे से इसको सजाया गया था, आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो बस वहाँ ऊपर अर्घ देने के बाद यहाँ पे कुर्सी बनाने के बाद मतलब उसको बाहर दिया था, फिर उसके बाद नीचे आ गए थे। और यहाँ पे ये जितने भी मतलब फल छोड़ के पूरी और जो उन्होंने बनाए थे मार्ट जो था, ठेकुआ जिसको बोलते हैं, वो सब इन्होंने चेंज कर दिया था। मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें भी पता नहीं है तो जो लोग करते हैं वो लोग देख के समझ रहे होंगे तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कुछ नहीं कर पाऊँगी, पर जो भी था सब बहुत अच्छा था। तो बस वहाँ से हम लोग को आते आते 8 बज गया था घर पे। फिर घर पे आने के बाद खाना वगैरह बनाना स्टार्ट किया क्योंकि आशी घर पे ही थी इसलिए मम्मी एकदम बिजी थी उसके चक्कर में और मम्मी भी जाने वाली थी पर यहाँ पे भी लोग कुछ लोग कर रहे थे तो उन लोगों ने भी बुलाया हुआ था तो बस मम्मी को इसलिए यहाँ रुकना पड़ा और मैं गई थी वहाँ पर तो मेरे साथ रिद्धू भी गया हुआ था, आशी घर पर ही थी। तो फिर घर पर आने के बाद मैंने बनाया था दाल और एक साइड मैंने आलू बॉईल कर दिए थे चोखा बनाने के लिए।
तो बस दाल बन गई थी और फिर मैंने चावल भी धो के डाल दिया था और तब तक यहाँ पे आलू भी बॉईल हो चुके थे, तो बस आलू को छील के उसके बाद मैंने इनका चोखा बना लिया था। चोखा दो जगह पे बनता है, एक जगह पे मैं अनियन और जो भी मतलब होता है इसमें अनियन टमाटो और ग्रीन चिली ये सब चॉप करके डालती हूँ, और दूसरी साइड मैं प्लेन बनाती हूँ, मतलब कुछ भी ऊपर से नहीं पड़ता है। और इधर मैंने रिद्धू को मतलब आशी को सबसे पहले मैंने दाल का पानी दिया था क्योंकि थोड़ा हेल्दी भी होता है, राशि को अभी पीती भी नहीं है तो मैंने कहा उसको दे देती हूँ, उसको ये सब चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं, तो मैंने रिद्धू को भी दे दिया था। रिद्धू भी नहीं पसंद करता है पर राशि को देख के उसका भी मन कर गया पीने का। यहाँ पे राशि के लड्डू राशि को लाने की कोशिश कर रहे थे पर राशि को ये सब चीज़ें अच्छी कहाँ लगती हैं, राशि को वैसे दे दो दूसरी टाइप की चीज़ें दे दो तो खा लेगी, मतलब जो उसके काम की नहीं होती हैं वो सब वो खाती है। तो बस उसके बाद फिर मैंने चोखा बना लिया था और उसके लिए मैंने शॉपिंग कर ली थी, यहाँ पे रिद्धू आ गया था मेरी हेल्प करने के लिए या फिर डिस्टर्ब करने के लिए, तो बस वो इधर अपना कर रहा था और मैं इधर कर रही थी, और उसके बाद फिर मैंने चोखा बना के रेडी कर लिया था। तो बस मेरा डिनर यही था, चावल दाल चोखा और साथ ही मैंने चटनी भी पीस ली थी, और बस फिर उसके बाद खाना मैं बनाने के बाद मैंने सबको खिला पिला दिया था और किचन क्लीन कर दिया था, जितने भी बर्तन हुए थे वो सब मैंने धो दिए थे, बस सारा काम अपना ख़त्म कर लिया था। और काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब लेट हो गया था काफ़ी ज़्यादा, सब काम ख़त्म करते करते 12 बज गए थे, तो सब काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं गई थी रूम में, और उसके पहले मम्मी ने मुझे बोला था चने भिगवाने के लिए, तो फिर वापस मैं किचन में आई थी, तो फिर मैंने चने वगैरह भिगोए थे क्योंकि सुबह के लिए चने भिगोने बोले थे मम्मी ने, तो बस मैंने सुबह के लिए चने भिगो दिए थे, और उसके बाद बस मेरा काम ख़त्म हो गया था। और फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है, तो यहाँ पे हम लोग अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock पे नहा के फिर से आ गए थे इनके यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग की भी छठ पूजा थी, तो बस यहाँ पे आ गए थे और फिर हम लोग 5 o'clock तक यहाँ पहुँच चुके थे, तो यहाँ पे सब प्रिपरेशन वगैरह हो चुकी थी, और उसके बाद फिर हम लोग आए तो उसके बाद भाभी पानी में गई थी, उन्होंने अर्घ दिया और हम लोगों ने भी मतलब उसमें अर्घ जो देते हैं वो किया, और फिर वहाँ पे मतलब प्रसाद वगैरह लेके फिर हम लोग घर आ गए थे। हम लोग को घर आते आते 8:30-9 बज गया था, और आशीर्वाद लेके गए थे तो इसकी वजह से मैंने आज कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, तो आज का इसमें मतलब पूजा का आज सुबह का काफ़ी अच्छा अच्छा था, पर मैंने आज कुछ भी शूट नहीं किया है क्योंकि आशी बहुत रो रही थी, उसको मैंने अर्ली मॉर्निंग ही उठा दिया था, उठाया क्या था वो खुद ही उठ गई थी, इसी वजह से उसने मुझे बहुत डिस्टर्ब करके रख दिया था, वहाँ पे किसी के पास जा भी नहीं रही थी, तो और रिद्धू को मैं घर ही छोड़ के गई थी, और जिस वजह से रिद्धू स्कूल भी नहीं जा पाया था, मुझे आते थे लेट हो गया था। बस इसी साथ मैं अपना यहाँ पे ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ जो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय, टेक केयर।